आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर, स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। सदन में जिला परिषद सदस्य रीना ठाकुर के साथ रामपुर के पूर्व डीएसपी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी का मामला भी खूब छाया। सभी सदस्यों ने डीएसपी के तबादले की जगह उसके खिलाफ कार्रवाई की जोरदार मांग उठाई। जिला परिषद सदस्य धर्मिला हरनोट ने बताया कि बैठक में शिमला के विकास कार्यों पर चर्चा हुई, जिसमें 14वें वित्त आयोग में भी 13 वित्त आयोग की तर्ज पर जिला परिषद सदस्यों के लिए धनराशि आवंटन का अधिकार दिया जाए। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने धनराशि का प्रावधान किया है, लेकिन उसे सीधे खर्चा करने का अधिकार सदस्यों को नहीं दिया गया है। अब सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा ताकि सदस्यों की मांग पर गौर हो सके। उन्होंने जिला परिषद सदस्यों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर दोषी डीएसपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी जायज ठहराया। कुल मैं चाहती हूँ किसी भी जो है हमारे माननीय सदस्य, अगर एक माननीय सदस्य के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है, ये एक चिंता का विषय है। मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन हो केस की, और प्रॉपर जो है अधिकारी पे कार्यवाही का भी हो। हाँ, ये जो हमारा, हाँ जी, जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट डेवलपमेंट ग्रांट काटी है जिला परिषद और पंचायत समिति की, तो उसके जो हमारा एक प्रस्ताव था उसको कंटिन्यू करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और दूसरा जो 13th फाइनेंस के अनस्पेंट जो हमारे फंड्स थे उसमें हमारे माननीय सदस्यों का रोष था कि जो भी हमारा जो वो फंड्स अनस्पेंट हैं वो जिला परिषद के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कि जो हमारा अनस्पेंट फंड्स हैं 13th फाइनेंस के, जो हमारे परमानेंट असेट्स बनने हैं ग्राम पंचायत में और पंचायत समिति में और जिला परिषद में, तो ये इन लोगों का विरोध था कि जो भी हमारी प्रपोजल जाए वो एक सदन के माध्यम से जाए, सरकार अपने लेवल पे कोई डिसीजन ना ले। उधर पीड़िता जिला परिषद सदस्य डीएसपी के तबादले मात्र से खुश नजर नहीं आई। रीना ठाकुर का कहना है कि यदि जिला परिषद सदस्य के खिलाफ पुलिस का अधिकारी दुर्व्यवहार करता है तो आम जनता के साथ पुलिस कैसे पेश आती होगी, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ी हैरानी तो इस बात को लेकर है कि तबादले के अलावा उन पर कोई कार्रवाई न करना सरकार और पुलिस महकमे के ऊपर कई सवाल खड़ा करता है। उन्होंने तो यहाँ तक अपनी नाराजगी जाहिर कर दी कि पुलिस से उनका विश्वास उठ गया है और वो इस मामले को तूल नहीं देना चाहती हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को और इस सरकार को, कि जब मैं सीएम साहब के पास गई थी तो उन्होंने कहा था डीएसपी को सस्पेंड किया जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ सस्पेंड किया जाए। इसके ये समाधान नहीं है। इसका समाधान ये है कि उनको वार्निंग दी जाए कि दोबारा ये काम ना करें। मैं बार बार एक साल से ये क्वेश्चन लगा रही हूँ तो मुझे हर बार यही जवाब मिलता, हो जाएगा, क्या होगा, ये होगा, लेकिन मुझे स्पष्ट इसके बारे में कोई आंसर नहीं मिला आज तक। इससे लोगों का विश्वास उठ रहा है पुलिस डिपार्टमेंट से। आज भी मुझे ये जवाब सुनने को मिला, हम इसके बारे में अब बात करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे विश्वास। मैं बार बार कह रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को हटाना चाहती हूँ। मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट होती है जब इस मैं बार बार इस ये क्वेश्चन आता है तो मुझे एम्बेरसमेंट होती है। लोगों का विश्वास पुलिस डिपार्टमेंट से उठ रहा है और उनके बारे में ये कहते हैं कि उनकी ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसफ़र होने से क्या समाधान हुआ वहाँ इलाके में? बड़ी शांति हुई उनके जाने से। उनके जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ है वहाँ पर, सब लोग खुश हैं। लेकिन आज इन्होंने मुझे कहा है कि हम रिटर्न में आपको आंसर देंगे, और मुझे नहीं पता क्या आंसर मिलेगा ये। लेकिन ये हाउस कह रहा है कि इस क्वेश्चन को रहने दो, मैं तो इसको निकालना चाहती थी। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में लगी सीटी स्कैन मशीन खराब हो गई है। इसके चलते मरीजों को सोमवार बाद सीटी स्कैन की सुविधा नहीं मिल पाई, मजबूरन मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ा। सोमवार को खराब हुई यह मशीन, अगले कितने दिनों तक इसी हालत में रहेगी इसका किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि मशीन को ठीक करने के लिए राज्य स्तर के टेक्नीशियन आते हैं। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर की मेडिकल सुपरिटेंडेंट अर्चना सोनी ने बताया कि मशीन में तकनीकी फॉल्ट आ गया था। उन्होंने बताया कि मशीन राज्य स्तर पर टेक्नीशियन द्वारा रिपेयर की जाएगी, इसके लिए टेक्नीशियन को सूचित कर दिया गया है। गौरतलब है कि अस्पताल में रोजाना सीटी स्कैन के 15 से 20 मरीज आते हैं। ऐसे में मशीन के खराब होने पर मरीजों को सीटी स्कैन के लिए निजी अस्पतालों में मोटी रकम चुकानी पड़ रही है, लिहाजा जल्द स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर कोई उचित कदम न उठाया तो अस्पताल आने वाले मरीजों की और परेशानियां बढ़ सकती हैं।
मंडी जिला में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी सरकार घाट के ब्राग में हुए भयानक हादसा जिसमें 5 की मौत और 5 लोग घायल हुए थे को बीते 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि सुंदरनगर के समीप एक और हादसा हो गया जिसमें कार सड़क से लुढ़कर खड्ड में गिरने से 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को नागरिक चिकित्सालय सुंदरनगर में पहुंचाया गया जहां जरूरी प्राथमिक उपचार उपरांत गंभीर की हालत को देखते हुए उन्हें PGI के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना मंगलवार सुबह 5:30 की है जब दिल्ली से मनाली जा रही स्विफ्ट डिजायर कार 4 लेन पर अनियंत्रित होकर 7 लगती खड्ड में जा गिरी जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों के सिर बाजू और लात में चोटें आई हैं। घटना का पता चलते ही लोगों ने सभी घायलों को सड़क तक निकाला और 108 की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। सभी लोग मनाली घूमने जा रहे थे। घटना की पुष्टि करते हुए DSP संजीव भाटिया ने बताया कि मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। वहीं कार में 9 माह की बच्ची बानी भी सवार थी। दुर्घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है लेकिन कई फीट लुढ़कने के उपरांत भी बानी का बाल तक बांका नहीं हुआ। वह सुकुशल रही जबकि अन्य सभी 5 सवार घायल हुए हैं। प्रदेश के डिपुओं में तीसरी दाल के तौर पर माह की दाल मिलना तय है। खाद्य आपूर्ति निगम ने तीसरी दाल के लिए टेंडर करवा दिए हैं और कम रेट पर माह की दाल उपलब्ध हो गई है। निगम के टेंडर खोलकर सरकार को भेज दिए हैं। अब सरकार ही इस पर अंतिम फैसला लेगी। 2 दालों का चयन पहले ही कर लिया गया था। प्रदेश के डिपुओं में लोगों को तीसरी दाल के तौर पर माह की दाल मिलने की पूरी संभावना है। तीसरी दाल उपलब्ध करवाने के लिए हाल ही में माह और दाल चना के टेंडर भरवाए गए थे। इनमें से एक दाल का चयन किया जाना है। जानकारी के अनुसार इसके लिए 5 फर्मों के टेंडर भरे गए थे। इसमें माह की दाल के लिए 800 रुपए प्रति किलो के करीब रेट आया है। वहीं दाल चना के लिए 74 रुपए के करीब रेट आया है। खाद्य आपूर्ति निगम के टेंडर को फाइनल मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है। नियमानुसार कम रेट वाले टेंडर को ही फाइल किया जाता है और ऐसे में यह तय है कि तीसरी दाल माह की दाल ही मिलेगी। हालांकि सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। इससे पहले 2 दालों में मूंग व मलका का चयन किया जा चुका है। खाद्य आपूर्ति निगम ने पिछले महीने 4 दालों मूंग मलका माह और दाल चना के टेंडर करवाए थे। इसमें माह की दाल के सबसे ज्यादा रेट आए थे। सरकार को 2 दालों मूंग व मलका मसूर की सप्लाई के ही ऑर्डर देने पड़े थे। तीसरी दाल को अंतिम मंजूरी देने के बाद सरकार इसके लिए संबंधित फर्म को ऑर्डर करेगी। कुल्लू को लाहौल से जोड़ने वाला रोहतांग दर्रा वाहनों के लिए बहाल हो गया है। 3 मई की रात बर्फबारी होने और हिमस्खलन व भूस्खलन होने से मनाली केलांग मार्ग अवरुद्ध हो गया था। मार्ग अवरुद्ध होने से रोहतांग दर्रा आर पार करने वालों की दिक्कतें बढ़ गई थी और लोग पैदल सफर करने को मजबूर थे। रविवार रात को BRO ने राहली नाले में भूस्खलन का मलबा हटा लिया था जिससे दर्रे के बहाल होने की उम्मीद बढ़ गई थी। सोमवार को BRO के जवानों ने दर्रे के दोनों छोर जोड़ दिए। गौरतलब है कि सड़क में 3 फुट बर्फ जमा हो गई थी जिसे भी हटाना पड़ा। लगातार 6 दिन मार्ग के अवरुद्ध रहने से लाहौल आने जाने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई थी लेकिन अब वाहनों के लिए दर्रे के बहाल हो जाने से सभी राहगीरों को राहत मिल गई है। सोमवार और मंगलवार को दर्जनों वाहन मनाली से लाहौल गए जबकि लाहौल की ओर से भी भारी संख्या में वाहनों ने मनाली का रुख किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के जिला दौरे में फेरबदल हुआ है। अब यह दौरा मात्र 1 दिन का होगा। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री के 3 दिवसीय दौरे पर आने का शेड्यूल जारी हुआ था। अब यह दौरा 1 दिवसीय 11 मई का ही होगा। CM कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार प्रवास कार्यालय हमीरपुर NIT से शुरू होगा। मुख्यमंत्री यहां अपने विशेष विमान से लैंड करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री टौनी देवी पहुंचेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री टौनी देवी सिविल अस्पताल के नवनिर्मित डॉक्टर रेजिडेंस का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री उपमंडल सुजानपुर की पंचायत चौरी में नवनिर्मित PSC भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री सुजानपुर की पंचायत चमैणा में बनने वाले खेल मैदान का नींव पत्थर रखेंगे। वहीं इसके पश्चात CM सुजानपुर पहुंचकर सिविल अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर रेजिडेंस भवन का नींव पत्थर रखेंगे। यहां से मुख्यमंत्री हमीरपुर पहुंचेंगे। हमीरपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शाम 5 बजे गांधी चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर लोक निर्माण विभाग सुजानपुर के SDO प्रकाश चंद ने बताया कि विभाग ने इस संदर्भ में तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बताया कि CM NIT ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे। इसके पश्चात
भदोही में तकनीकी विश्वविद्यालय के भवन की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान बहु तकनीकी संस्थान में गर्ल्स तथा बॉयज हॉस्टल का शुभारंभ भी करेंगे। राजेंद्र राणा ने बताया कि इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा 11:15 पर कोर्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके उपरांत 11:45 में टोनी देवी में चिकित्सकों की आवासीय कॉलोनी का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12:45 पर चौरी में PHC के नवनिर्मित भवन का शिलान्यास किया जाएगा। इसके उपरांत पटलांदर में लंच करने के बाद 3:15 पर चमियाना में खेल मैदान का शिलान्यास किया जाएगा। राजेंद्र राणा ने बताया कि इसके उपरांत 3:45 पर सुजानपुर में चिकित्सकों की आवासीय कॉलोनी का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 5:00 हमीरपुर के गांधी चौक पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। राजेंद्र राणा ने बताया कि CM के प्रवास की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक 9 मई को टोनी देवी परिसर में आयोजित की जाएगी। नगर निगम की मतदाता सूचियों में भारी मात्रा में गड़बड़ी होने के कारण इसके आयोजन में अनिश्चितता छाने लगी है। भले ही जिला प्रशासन 4 मई को अंतिम मतदाता सूचियां प्रकाशित कर चुका है, लेकिन न केवल मतदाता बल्कि वर्तमान पार्षदों, चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी इन मतदाता सूचियों से संतुष्ट नहीं है, जिसका विरोध नगर निगम शिमला की अंतिम बैठक में देखने को मिला। सदन में सर्वमति से वोटर लिस्ट की खामियों को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को ईमेल भेजी गई, जिसके माध्यम से वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की मांग उठाई गई। नगर निगम चुनाव को लेकर हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई वोटर लिस्ट सवालों के घेरे में है। वोटर लिस्ट को लेकर MC की अंतिम मासिक बैठक में भी भारी हंगामा देखने को मिला था। पार्षद सुरेंद्र चौहान ने नई जारी की गई MC की मतदाता सूची में कई खामियां गिनवाई, जिनका सदन में मौजूद सभी पार्षदों ने एकजुट होकर समर्थन किया। पार्षदों ने जिला निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते कहा कि मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम भी मतदाता सूची में शामिल है। पार्षद सुरेंद्र चौहान, शशि शेखर, चीनू, मनोज कुठियाला और शैलेंद्र चौहान का कहना है कि 18 साल पूरे कर चुके मतदाताओं से किसी प्रकार का कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे मतदाता हैं जिनका वोटर लिस्ट में फोटो तक नहीं दर्शाए गए हैं। वोटर लिस्ट की भारी खामियों को लेकर MC सदन ने प्रदेश सरकार, राज्य चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन आयोग को ईमेल के माध्यम से जांच करने की मांग की है। मेयर संजय चौहान ने बताया कि नई मतदाता सूची शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है, जिसे जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए, अन्यथा इस तरह की खामियां लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकती हैं। आज देखे माननीय सदन की बैठक जो है वो आयोजित की गई थी, जो हमारी मासिक बैठक होती है, इस पे विशेष तौर पे 2-3 मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से चर्चा हुई है। एक जो नगर निगम का चुनाव है उसको लेकर जो है बहुत गंभीरता से जो है माननीय पार्षदों ने सभी दलों के जो है वो चर्चा की है, और जो वोटर लिस्ट जो अभी जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिलीज की गई है हाल ही में, उस पर भी जो बहुत बड़ी विसंगतियां हैं, जिसमें मुख्यतः एक वार्ड से जो है दूसरे वार्ड में अभी भी जो है लोग दर्शाए गए हैं, दूसरा कुछ वार्ड के जो है वो जो वोटर्स हैं उनको अभी भी वोटर लिस्ट में एनरोल नहीं किया गया, कुछ एक वोटर्स ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है, चले गए हैं, वो आज भी जो है वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो वोटर लिस्ट का जो एनुमरेशन हुआ है इसको लेकर जो है माननीय सदन ने गंभीर चिंता जाहिर किया, और ये जो माननीय सदन की चिंता है ये पूरे शहर की जो जनता है उसकी आवाज़ जो है ये यहाँ पर आई है। तो हमने अभी निर्णय लिया है कि ये जो वोटर लिस्ट के मुद्दे पर, ये जो यहाँ पर डिलिमिटेशन हुआ है,